हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने मसूरी का सेकंड पार्ट। आज हम बात करेंगे मसूरी के गन हिल की और यहाँ के कुछ हॉन्टेड प्लेस की बात। गाइस, पहले आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत मंज़र है। फॉग में मसूरी और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ फॉग फॉग फॉग, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी आज, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, सबसे पहले मॉल रोड से होते हुए हम जाएंगे गन हिल, और गन हिल जो हम जाएंगे वो हम जाएंगे रोपवे के थ्रू। रोप वे का राउंड ट्रिप का जो टिकट है वो 180 रुपीज़ पर पर्सन है, और 5 साल तक के बच्चे का कोई टिकट नहीं है, वो फ्री है। और इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर इवनिंग में 7:30 बजे तक है। तो फ्रेंड्स, हम बैठ गए हैं और अब हमारी जो ट्रिप है वो शुरू हो गई है। जैसे जैसे आपकी ये रोप ऊपर की साइड जाता है ना, तो इतना अच्छा व्यू लगता है, इतना अच्छा लग रहा था बैठ के। जब आप हाइट पे जाते हो और वहाँ से जब आप नीचे देखते हो, इतना अच्छा, इतने खूबसूरत वहाँ पर फ्लावर्स थे और इतने अच्छे ट्रीज और उनमें फॉग, बहुत ही प्यारा लग रहा था, अमेजिंग। अगर आप रोपवे से नहीं आते हैं और आप ट्रैक करते हैं, तो मॉल रोड से एक पॉइंट है, वहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है गन हिल की वो 500 मीटर है। तो आप बाय ट्रैक भी आ सकते हैं, बट हमारे साथ बच्चे थे छोटे, तो इस वजह से हमने ट्रैकिंग नहीं करी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गन हिल, और यहाँ पर मैं आगे आपको गन हिल के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर भी अलग अलग स्टॉल्स थे, शॉप्स थे, जहाँ पर बहुत वैरायटी की चीज़ें मिल रही थी, और यहाँ पर बच्चों के गेम वगैरह भी थे जो कि बच्चों ने खूब एंजॉय करे, खूब मज़े करे उन्होंने।
फ्रेंड्स, ये है गन पॉइंट। और आप इस जगह की खूबसूरती देखिए, फ्लावर, ये नेचुरल फ्लावर देखिए, इनके कलर बहुत ही प्यारे फ्लावर से, बहुत खूबसूरत। और ये जो गन हिल है, यहाँ पर 5 वाटर टैंक है, यानी कि 5 वाटर टैंक है, और जो सारे ये मसूरी हैं उसमें जो पानी की सप्लाई होती है वो इसी जगह से होती है। कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स, अभी हम मसूरी के गनिल में आए, और आपको आप यहाँ इतना व्यू देखो, यहाँ का इतना प्यारा लग रहा है। मैगी खा रहे हैं, और पहाड़ी मैगी का कुछ अलग ही मजा होता है पहाड़ों पर। यहाँ होटल है, यहाँ पहाड़ है, पूरी तरफ से आप देख सकते हो, पर यहाँ पे कोहरा हो रहा है, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, वरना यहाँ जब भी हटेगा आपको पहाड़ वहाँ सब दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस जगह की खूबसूरती देखिए, और इस हाई पॉइंट से आप नीचे का मंज़र देखिए कि नीचे जो जगह है वो यहाँ से कैसी लग रही है देखने में। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर हमारी क्यूटी पाई ने यहाँ की ड्रेस पहनी, और जोहान ने भी पहनी, और दोनों बहन भाइयों ने यहाँ की ड्रेस पहनी और फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एकदम डाकू हूँ, और मेरे पास है गन, इसका नाम है स्नाइपर। ये है मेरे सिक्कू का हर पर निकल। एक मिनट रुक जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है हॉन्टेड हाउस, और अब हम जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे तो अंधेरा था, बट मैंने टॉर्च वगैरह जला के यहाँ की वीडियो बनाई, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि इसके अंदर क्या था। सामने दिखाओ, सामने सामने सामने, चलो सामने सामने। तो गाइस,
प्लीज़ आपको ये हॉन्टेड हाउस कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो इस जगह का नाम गन हिल क्यों पड़ा, ये कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में इस जगह से खड़े होकर जो ब्रिटिशर थे वो फायरिंग करके टाइम बताते थे। एक बार फायरिंग करी तो 1 बजा, 2 बार फायरिंग करी तो 2 बजा, इसी वजह से इस जगह का नाम गन हिल पड़ा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको ज़रूर इंजॉय करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत 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 अच्छा। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत तो ज़्यादा अच्छा लगा। माल रोड जा रहे हैं, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम माल रोड जा रहे हैं। इस जगह से जो है वो माउंटेन पीक भी दिखाई देता है, और यहाँ से एक जगह दिखाई देती है यहीं पर हिल्स में लाल टिब्बा, तो उस जगह के बारे में भी यही बताया जाता है कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है लाल टिब्बा। तो फ्रेंड्स अब हम वापस जा रहे थे, मॉल रोड पर जा रहे थे वापस, और हम रोपवे के थ्रू ही वापस जा रहे थे। और अब आप यहाँ से जब आप बैठेंगे और यहाँ से आप नीचे का व्यू देखिए गाइस, तो फ्रेंड्स हमारा भी टाइम हो चुका था अब मसूरी को अलविदा कहने का, और हमारी रात की टैक्सी थी तो हमें रात को यहाँ से निकलना था। और रात में भी देखिए मसूरी कितना खूबसूरत लगता है, जगमग जगमग लाइटें दूर से जलती हुई ऐसी लग रही थी जैसे सारे में दिए जले हुए हों, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हमारी ट्रेन थी सुबह 5 बजे की जन शताब्दी, तो हम ट्रेन में बैठे और अपनी दिल्ली वापस आ गए, और हमने मसूरी में बहुत इंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। और गाइस तो आप बताइएगा आपको ये पूरा व्लॉग हमारा कैसा लगा, कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और बहुत 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 सारा प्यार आप सबको, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।